हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। बैक साइड से लुक इसका इस तरह का है। और फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है बेसिकली ये बनती तो सिर्फ एक ही रो में है, मगर इसे बनाने के लिए हमें 4 रोज़ कंप्लीट करने होते हैं। 4 4 रोज़ का पैटर्न है जिसमें हमें इसे अल्टरनेट करना होता है। अगर हम दोनों को लें तो ये 8 रोज़ की डिज़ाइन है। और इसे बनाने के लिए हमें 6 का मल्टीपल प्लस 3 फंदे लेने हैं। 6 के हिसाब से आपको फंदे लेने हैं और +3 एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए इसकी फर्स्ट रो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो राइट साइड से है, सारे फंदों को आपको सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरह से, तो फर्स्ट रो है, सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब हम सेकेंड रो पर हैं। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से है तो सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये हमारी सेकेंड रो है तो सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए हमारी थर्ड रो है जो कि डिज़ाइनर रो है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला फंदा तो हमें सीधा बुन लेना है, ठीक है, फिर उन आगे करेंगे। फिर अब दो फंदों को देखिए, जो दो फंदे हैं इन दो का हम एक करेंगे इस तरह से। अब ऊन आपको पीछे ले जाना है। अब देखिए जो तीन फंदे हैं तो तीसरा जो फंदा है, देखिए ये फंदा है ना, 1 2 3, इसके नीचे थर्ड फंदे में देखिए 1 2 और 3, यहाँ थर्ड फंदे में हम इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे। फिर तीन फंदे हम बुनेंगे, 1 2 और ये 3, तीन फंदे बुने। और फिर जिसमें हमने फंदा निकाला इसी में हम इस तरह से बुनेंगे। ये जो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए ये जो प्रॉब्लम जैसे फंदे निकालने की, उसको आपको सिर्फ फर्स्ट वाले पैटर्न में ही ध्यान देना है, वरना अगली बार से आपके पास देखिए ये गांठ स्टिच आ जाएगी तो उसके ऊपर आप फंदे आराम से निकाल लेंगे। फिर उन आगे करेंगे और फिर तीन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए शुरू में हमने दो फंदों को उल्टा बुना था, अब हम यहाँ पे तीन फंदों को बुनेंगे। बीच में सब तीन फंदे ही उल्टे बुनने हैं, सिर्फ कॉर्नर में जब आएगा तो दो फंदे इस तरह से बनाने हैं। फिर वापस से जो देखिए तीन फंदे हैं तो जो बीच वाला फंदा है उसमें देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, थर्ड वाले फंदे में हम इस तरह से एक फंदा खींचेंगे। और फिर उसके बाद लूज फंदा रखेंगे, तीन फंदे बुनेंगे 1 2 और 3। और बुनने के बाद फिर वापस से इस फंदे में जिसमें हमने लूप निकाला है इसी में से फिर एक और लूप निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसे हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। फिर उन आगे करेंगे, फिर ये तीन फंदे उल्टा एक साथ, ये देखिए तीन फंदे हैं सबने एक साथ बुने। फिर उन पीछे, फिर देखिए 1 पास में देखिए 1 2 और ये 3, जो थर्ड वाला लूप है इसमें हम इस तरह से बना लेंगे। एक फंदा खींचा, फिर तीन फंदे सीधे 1 2 3, फिर वापस से इसी में हम एक और इस तरह से फंदा खींच लेंगे इस तरह से। फिर उन आगे करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे। तो इसी तरह से आपको ये रो रिपीट करना है। ये देखिए, ये हमने लास्ट में हम आ गए हैं। तो देखिए हमने डिज़ाइन बनाया, इसके आधार पर से तीन फंदे हैं तो इसे हम इस तरह से दो फंदों को पहले हम एक कर लेंगे, फिर उन पीछे और फिर एक फंदा सीधा लास्ट में, फिर इसी तरह से करेंगे। और फिर रॉन्ग साइड से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारी फोर्थ रो है, सारे फंदों को देखिए, ये जो हमने फंदा खींचा था उसे भी आपको इस तरह से, देखिए ये फंदा हमने लूप लिया था इसे भी इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी डिज़ाइन का जो एक साइड है वो कंप्लीट हो गया, अब हमें इसे अल्टरनेट करना है। तो देखिए फिफ्थ रो में आपको फिर से सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो इस फंदों को, इन सारे फंदों को इस रो में हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फिफ्थ रो हमने कंप्लीट कर ली सीधा सीधा बुन के। अब जो सिक्स्थ रो है वो रॉन्ग साइड से है तो सारे फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, तो सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए हमने सिक्स्थ रो कंप्लीट कर ली, अब हम सेवन्थ रो पे हैं। तो डिज़ाइन तो बेसिकली हमारी यही है, बस हमें अल्टरनेट करना है। जैसे जहाँ पे हमने ये तीन फंदे का एक किया है वहाँ हमें ये डिज़ाइन बनानी है, और जहाँ ये डिज़ाइन है वहाँ हमें गांठ स्टिच बनाना है। देखिए कैसे, पहला फंदा आपको सीधा बुनना है। देखिए पहला सीधा बुना, अब इसके बाद से ध्यान दीजिएगा दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं, दो हमें सीधे बुनने हैं। अब ये जो हमने नीचे जो गांठ स्टिच बनाई है, देखिए जो गांठ स्टिच है ना इसमें हम सिलाई को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये फंदा,
इसके अंदर डालेंगे सिलाई को और फिर इसे हम सीधा फंदा बुन के एक निकालेंगे लूप। तो ये हमारी आधी डिज़ाइन हो गई। देखिए इस ये जो डिज़ाइन थी इसका हमने आधा बना लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो हमने उल्टा बुना हुआ है इसके ऊपर जो चोटी है हमारी, जो ऊपर जो स्टिच है उसके अंदर हम इस तरह से फंदा डाल के एक बाहर खींच लेंगे। ये देखिए ये हमारी हाफ डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। फिर ऊन आगे करेंगे, अब तीन फंदों का एक करेंगे। देखिए ये जो तीन फंदे हैं इन्हें हम एक कर लेंगे। ये देखिए फिर पीछे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर से ये जो उल्टा हमने बनाया है इसके ऊपर यहाँ पे, वैसे भी आप गिनेंगे देखिए 1 2 3 थर्ड वाला जो स्टिच है इसमें आ गया, इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर तीन फंदे सीधे 1 2 और ये 3, तीन फंदे सीधे। फिर इसमें वापस से हम इस तरह से इसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे इस तरह से, हो गया 5 फंदे हो गए। फिर ये तीन फंदों का हम एक कर लेंगे। फिर उन पीछे तब देखिए फिर से बीच वाले फंदे की एकदम तीन फंदों से बीच वाले के सबसे नीचे जहाँ हमने उल्टा बुना है उसके ऊपर इस तरह से एक फंदा लेंगे। फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। फिर वापस इसी में इस तरह सिलाई को इंसर्ट करके एक हम फंदा निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए फंदा निकाल लिया, फिर उन आगे किया, फिर तीन का एक। तो इसी तरह से हम लास्ट तक बनाते हुए आएंगे। ये देखिए ये हम इस रो के लास्ट में आ गए और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने तीन फंदों का एक किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो उल्टा हमने फंदा बनाया था नीचे दो का एक किया था, उसके ऊपर वाले फंदे से हम एक फंदा लेंगे। यहाँ पे भी हमें आधी डिज़ाइन बनानी है। फिर उसके बाद ये तीन फंदे हैं, इन तीनों का आपको सीधा बुन लेना है 1 2 3। ये देखिए हो गया। फिर अब 8th रो सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए तो इसी तरह से हम 8th रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 8th रो कंप्लीट होने के बाद देखिए ये और ये डिज़ाइन हमने बनाई है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन का लुक आता है। देखिए लग रही है ना प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लग रही है। और इसे आप अपने हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ टॉप अगर आप बना रही हूँ तो आर्म होल के ऊपर से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करें, बहुत खूबसूरत पैटर्न बन के सामने आएगा। और अगर आप नीचे डालना चाहें तो वेस्ट के नीचे की जो लेंथ है उसमें ये डिज़ाइन डालें, बीच में प्लेन प्लेन बुने, या फिर बाजू में भी जहाँ आप आर्म होल घटाती है वहाँ से भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकती हैं, या फिर सिर्फ बाजू में डालें पूरा स्वेटर प्लेन बुने, तब भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लुक देती है। अगर आपको डिज़ाइनर प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इसी तरह से फॉलो करें। और डिज़ाइन तो आप कई देख लेते हैं लेकिन इसे किस तरह अप्लाई करना है ये आपको समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं समझ में आता था, तो मैं इसी तरह से करती थी, अपने डिज़ाइनर प्रोजेक्ट खुद बनाती थी। अगर आपको इस संबंध में कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बिना झिझके आप मुझसे पूछ सकती हैं, मुझे आपका रिप्लाई करने में बहुत खुशी होगी। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? तो वीडियो को लाइक किया है ना आपने, नहीं किया है तो कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी बनाई हुई डिज़ाइन एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।